नमस्कार, मैं हूँ रचना। आप देख रहे हैं इन समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच जो स्थिति चल रही है उसके बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच काफी दिनों से खींचतान चल रही है। दोनों देशों को लेकर कई बार कमांडर लेवल पर बातचीत भी हो चुकी है। हाल ही में कमांडर लेवल पर एक बातचीत हुई थी जिसका कोई खास फायदा नहीं मिला। पेंगोंग लेक से पीछे हटने को लेकर चीन ने एक बहुत ही अड़ियल रुख अपनाया। पीछे हटने के बजाय उसने भारतीय सेना के सामने एक शर्त रख दी कि वो फिंगर टू से पहले पीछे हटे, उसके बाद ही हम कोई एक्शन ले सकते हैं। ऐसा चीन ने अपना एक बिहेवियर, अपना एक नेचर दिखाया। लेकिन भारतीय सेना है कि मानने को भी तैयार नहीं है। चीन की सेना फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक डटी हुई है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 4 के आसपास है। अब चीन की चालबाजी देखिए। चीन चाहता है कि जो भी फिंगर जोन है उसको बफर जोन में डिक्लेयर कर दिया जाए। बफर जोन यानी कि ना तो वहां पर भारत की सेना जाएगी, ना ही वहां पर चीन की सेना जाएगी। भारत की सेना पहले भी फिंगर 2 में रहती थी और फिंगर 8 तक वो गश्त करती थी। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे फिंगर जोन को बफर जोन में डिक्लेयर कर दिया जाए? चीन की ये अच्छी खासी चालबाजी है। चीन चाहता है कि आज उसको बफर जोन में डिक्लेयर कर दिया जाए और कल धीरे धीरे करके चीन अंदर ही अंदर उसमें कब्जा करना शुरू कर देगा। चीन के इस कदम के पीछे ये भी हो सकता है कि आज उसको बफर जोन में डिक्लेयर किया जा रहा है और कल उसको विवादित क्षेत्र भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय सेना ऐसा कुछ नहीं चाहती। भारत की सेना सिर्फ इतना ही चाहती है कि चीन अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाए, जैसे वो अप्रैल तक हुआ करता था उसी स्थिति में लौट जाए, उसके बाद हम खुद अपनी पुरानी स्थिति फिंगर 2 में चले जाएंगे। लेकिन चीन है कि मानने को ही तैयार नहीं है। तो ये था आज का हमारा विश्लेषण। देखते रहिए इन समाचार। जय हिंद।